आप कहते हैं कि यू शुड बी एक्साइटेड अबाउट ए प्रोजेक्ट, करेक्ट, आपके बारे में जो कहा जाता है और आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यू आर परफेक्शनिस्ट टू द कोर, जो एक परफेक्शनिस्ट होता है उसका एक्साइटमेंट लेवल क्या होता है? एक्चुअली ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. एक्साइटमेंट तो मुझे आता है, एक्साइटमेंट जो है वो परफेक्शन, लाइक यू नो टू गेट इन टू अ परफेक्शन, डजंट इट गेट गेट्स यू नो समवेयर, हो नहीं जाता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो. मैं हमेशा जो भी काम करता हूँ मैं बहुत जोश में करता हूँ. I work whatever I do very passionately and with a lot of love and excitement. That's my nature. मैं और किसी तरह काम नहीं कर सकता हूँ. तो इसलिए मैं एक वक्त पे एक ही फिल्म कर रहा हूँ. और जहाँ तक परफेक्शनिस्ट का सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि अच्छे से अच्छी फिल्म बना सकूँ, या जो भी काम कर रहा हूँ मैं अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकूँ. उसमें काफ़ी हाथ डर का भी है. उसमें मुझे डर लगता है कि भाई लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आएगा या उनको कुछ कमी नजर आएगी मेरी फिल्म में, मेरे काम में. आपके बारे में तो कहा जाता है यू आर नोन एज अ वर्सेटाइल एंड वन ऑफ द चेरिश्ड एक्टर दैट इंडियन सिनेमा हैज एट द मोमेंट. डर से मेरा मतलब ये है कि देखिए, जैसे आपने कहा, इफ आई एम द मोस्ट चेरिश्ड एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, इफ आई एम द मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा टुडे, देन दैट इज अ बिगर रिस्पांसिबिलिटी फॉर मी कि भाई जो लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे वो डिसअपॉइंट ना हो. तो वो डर एग्जैजरेट कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें एक कंसर्न रहती है कि भाई जो काम जिसके साथ मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ उसमें कुछ खामियां नहीं होनी चाहिए. कोशिश करता हूँ मैं, हर दफा मैं कामयाब नहीं होता हूँ उसमें. कभी कभी आई डू नॉट सक्सीड इन व्हाट आई एम ट्राइंग, बट दैट इज माय अटेम्प्ट एट ऑल टाइम्स टू ट्राई एंड डू द बेस्ट आई कैन. जहाँ तक एक्साइटमेंट का सवाल है, इट इज विदाउट दैट आई कैन नॉट वर्क. अनलेस आई एम एक्साइटेड विद द स्क्रिप्ट आई कैन नॉट वर्क. ये एक्साइटमेंट आपको कहीं आपके स्क्रिप्ट राइटर या आपके डायरेक्टर के साथ मेडल करने के लिए भी होता है? Because there are a lot of people who accuse ki Aamir Khan jo hai, oh, he has to meddle with the script. He will unnecessarily he meddles with it unless and he sees that okay, this script has reached to his level of satisfaction. He will not allow it to go. The same goes with your directors. कहते हैं बहुत सारे directors आपसे इस बात से नाराज रहे हैं कि आमिर खान ने हमेशा उनको कहते ना हिंदी में उंगली करते रहे, नहीं नहीं ये शॉट नहीं ठीक है, इसको ऐसे लेना चाहिए, नहीं नहीं ये गलत है, डायलॉग डिलीवरी ये सही नहीं रही, इसको ऐसे करना चाहिए. दे हैव बीन अपसेट विद यू. आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है इसमें. आप शायद फिल्मी मैगजीन बहुत पढ़ती हैं. ये फिल्मी मैगजीन जो है ये सब कहानियां बनाते हैं और लिखते हैं मेरे बारे में. सब लोगों के बारे में अलग अलग कहानियां बनाते हैं, मेरे बारे में ये कहानी बनाते हैं और कुछ मिलता नहीं उन्हें. आई डोंट इंटरफियर एट ऑल इन माई डायरेक्टर्स वर्क. I respect my directors completely. जब कोई डायरेक्टर आता है मेरे पास कहानी सुनाने के लिए, तब मैंने उसको हाँ नहीं किया है अभी तक. मैं कहानी सुन रहा हूँ तो उस वक्त आई मीन ऑल माई राइट्स टू से येस और नो कि भाई मुझे पसंद नहीं आई या मुझे पसंद आई. दैट इज नॉट कॉल्ड इंटरफेरेंस, दैट इज कॉल्ड चूजिंग एंड सेलेक्टिंग विच फिल्म यू वॉन्ट टू डू. लेकिन एक दफा मैं हाँ कहता हूँ डायरेक्टर को तो वॉट एवर ही डिसाइड्स इज द फाइनल वर्ड. As a unit member, I am concerned about my film. अगर मुझे लगे कि भाई आप किस जिस कुर्सी पे बैठी हैं उसका जो एक पांव जो है वो टूटा हुआ है, गिरने वाली हैं आप, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कहूं कि भाई देखिए ये पाया जो है आपका ये कमजोर है, शायद टूट जाएगा. फिर आपके ऊपर है कि आप उठ के उसको संभालें या ना संभालें. लेकिन अगर मैं इस पाए को देखूं और मैं चुप रहूं कि भाई गिरने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज नॉट राइट ऑन माई पार्ट. अच्छा, हो सकता है, ऑफकोर्स लेते हैं. I think all my directors have enjoyed working with me. वो बात अलग है कि शायद मेरी नजर गलत देख रही हो तो मैं आपको कहूंगा कि भाई देखिए आपका पाया जरा हिल रहा है, आपने चेक किया, बोला नहीं भाई ठीक है मैंने देख लिया, that's fine. तो I am concerned about my films and like every unit member should be, not only me, everybody and all the films I work with. For example, लगान जो हमने की, जितने cast और crew थे, they were very passionately involved with the film. तो हर आदमी अपनी तरफ से convey करता था, contribute करता था. But Ashutosh is the person who is the writer and the director of the film. He is the person who knows what is best for the film. I don't know what is best for the film. He knows what is best for the film. अच्छा, आपने आशुतोष को क्यों डिसाइड कर लेने के लिए
फॉर अ सच अ बिग बजट फिल्म एंड फॉर सच अ यू नो प्रेस्टीजियस फिल्म, और आप पहली दफा एज अ प्रोड्यूसर उतर के आ रहे थे, तो आपने मतलब आशुतोष का जो है आशुतोष कमर्शियली इज नॉट यू नो मे बी लगान इज हिज बिगेस्ट फिल्म एट द मोमेंट, जी क्या क्या था आशुतोष में जो आपने लिया, ऐसा क्या था? वेल आशुतोष इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड. इससे पहले वो दो फिल्में बना चुका है, पहला नशा जो इतनी जो चली नहीं, बाजी जो बहुत एवरेज गई. मेरा भी मानना यह है कि जो उसने दो फिल्में अभी तक बनाई हैं दे आर नॉट अप टू द मार्क, दे आर नॉट फुल्ली, ही कैन डू मच बेटर, ये मेरी फीलिंग है वो दो फिल्म देख के भी एज एन ऑडियंस, एज अ फिल्म मेकर, एज अ फिल्म पर्सन. बट इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि ही इज वेरी टैलेंटेड, और हर आदमी अपनी पहली फिल्म में कामयाब नहीं हो जाता, हर आदमी अपनी पहली फिल्म में अच्छा काम नहीं करता कभी कभी. तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, और ये टैलेंट और पोटेंशियल मुझे लगता है लगान के जरिए वो अपने आप को प्रूव कर पाएगा टू द फिल्म इंडस्ट्री, टू द ऑडियंस. लगान एक ऐसी कहानी जो उसके अंदर से आई है, जो उसने बहुत पैशनेटली बनाई है. एज ए डायरेक्टर ही हैज बीन वेरी क्लियर कि भाई मुझे क्या करना है इस फिल्म के लिए. हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज हिज ऑनेस्टी, जिस सच्चाई से वो स्क्रिप्ट को शूट करता है, जिस सच्चाई से वो परफॉर्मेंसेस निकालता है, ही स्टेज ऑनेस्ट टू द स्क्रिप्ट एंड हिज सेंसिबिलिटी इज वेरी करेक्ट, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट वॉट इज डूइंग. आप मुझे परफेक्शनिस्ट कहते हैं, उसको देखिए कभी किसी चीज को छोड़ता नहीं वो, यू नो, सो ही वर्क्स वेरी पैशनेटली. And I feel that, you know, he's very talented. The script he's written is very unique and good. So he deserves to be given that opportunity. And I'm happy and proud to give him that opportunity. कहते हैं Prime Minister और LK Advani साहब ने आपकी फिल्म को देखा और उन्होंने कहा भाई वाह, is that true? हाँ, बल्कि हमारी हमारी पहली स्क्रीनिंग थी वो जो प्रधानमंत्री जी ने देखी, अटल जी ने, और उसके बाद अगली स्क्रीनिंग अडवाणी जी ने देखी, सुषमा जी थी पहली स्क्रीनिंग में, एंड वी वर वेरी हैप्पी दैट यू नो इतने बिजी शेड्यूल से उन्होंने वक्त निकाला हमारी फिल्म देखने के लिए, बड़ी खुशी हुई हमें. और जब उन्हें फिल्म पसंद आई तो और भी खुशी हुई. अटल जी, अडवाणी जी, सुषमा जी, दे लव्ड द फिल्म एंड दे वर वेरी अप्रिशिएटिव एंड वेरी इनकरेजिंग एंड सपोर्टिव ऑफ अस. तो And all of them are very knowledgeable about arts, art and culture, in cinema. उनका बहुत very intelligent people, very knowledgeable people. तो उनका इतना अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा हमें. उस moment of proud होता आपके आपके लिए वक्त. बड़ी इज्जत दी हम लोगों को उन्होंने और बहुत खुशी हुई हमें कि उनको पसंद आई फिल्म. अच्छा आपकी जो family का coming back to your family's tradition, लगान की भी का भी music जो है it's a big hit. जी. कहते हैं कि लता जी से गवाने के लिए आपने 6 महीने तक आप उनके पीछे लगे रहे कि मुझे लता जी से गाना गवाना है इसमें, और लता जी जैसी हैं उन्होंने फिर बहुत दिन के बाद वक्त दिया आपको और फिर वो मिली और फिर उन्होंने गाना समझा और फिर उन्होंने गाना गाया. नहीं ऐसा नहीं हुआ, लता जी इज अ वेरी फाइन पर्सन और उन्होंने हमें बिल्कुल वेट नहीं कराया, शी वॉज वेरी स्वीट. ये बात बहुत सच है कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. आशुतोष जो हमारे डायरेक्टर हैं, ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ लता जी एंड वी वर यू नो वेरी वी वर होपिंग दैट शी विल से यस टू सिंग इन आवर फिल्म. और जब उन्होंने हाँ कहा तो हम बड़े खुश हुए, लेकिन उन्होंने फौरन ही हाँ कह दिया. दैट वाज हर यू नो वेरी नाइस ऑफ हर, शी डिडंट मेक अस वेट. वी विल हैव मोर ऑफ आमिर खान इन लेट्स टॉक बट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक.